अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अली। आज इस लेसन में मैं आपको कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में बताऊंगा। कंडीशनल ऑपरेटर यूज करके हम लोग इफ़ एल्स स्टेटमेंट को रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब कंडीशनल ऑपरेटर इफ़ एल्स लिखने का एक और तरीका है और शॉर्टकट तरीका है। अब मैं इस कोड को कंडीशनल स्टेटमेंट में लिखता हूँ। सबसे पहले आता है कंडीशनल स्टेटमेंट में कंडीशन आता है, कंडीशन आता है, इसके बाद एक क्वेश्चन मार्क और इधर इफ का स्टेटमेंट आता है, फिर एक कॉलन। शिफ्ट पकड़ के आप जब सेमी कॉलन प्रेस करेंगे तो कॉलन टाइप होगा, कॉलन के बाद एल्स का स्टेटमेंट आएगा और एक सेमी कॉलन। अब अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो इफ का जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होता है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। बहुत सिंपल सा कोड है जो कि सेम इस कोड का काम करता है। ये बड़ा है लेकिन अगर आप इसको छोटा लिखना चाहे, छोटा करना चाहे, तो आप कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ करके अपना सेम वही सेम काम कर सकते हैं कम कोड में। अब मैं लास्ट वाले प्रोग्राम को कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ करके फिर से लिखूँगा। ये प्रोग्राम यूज़र से पूछता है कि व्हाट्स योर मार्क्स। जब यूज़र इंटर करता है अपना मार्क्स, अगर 40 या 40 से ज़्यादा मार्क्स आता है तो स्क्रीन पे टाइप होता है कि यू हैव पास्ड, अगर नहीं आता तो लिखाता है कि यू हैव फेल्ड। तो मैं इसको कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ करके लिखता हूँ। इसके बाद स्कैन एफ के बाद मैं ये कंडीशन दूंगा, उसके बाद मैंने कहा है कि उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क और इधर इफ का जो स्टेटमेंट है वो लिखूंगा और एक कॉलन। और इधर एक जो एल्स का स्टेटमेंट है वो लिखूंगा और लास्ट में एक सेमी कॉलन, इधर एक कॉलन आता है। अब मैं अगर इसे एग्जीक्यूट करूं, कंपाइल करूं, तो मेरे स्क्रीन पे आएगा व्हाट्स योर मार्क। अगर मैं 40 डालूं तो मेरे स्क्रीन पे लिखाएगा यू हैव पास्ड, यू हैव पास्ड। अगर मैं इसे 30 डालूं तो स्क्रीन पे लिखाएगा यू हैव फेल्ड, यू हैव फेल्ड। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक लाइन में जो जो 7 लाइनों वाला कोड है उसके काम को किया है एक लाइन में कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ करके। तो कंडीशनल ऑपरेटर जो है वो ज़्यादा कॉम्पैक्ट है और अगर आप अपना काम आसानी से करना चाहते हैं तो कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ करके वही सेम काम कर सकते हैं। आज के लेसन में इतना ही था। सी लैंग्वेज के मज़ीद ट्यूटोरियल्स देखने के लिए मेरे वेबसाइट पे विज़िट कीजिए जो है mayonet.com। देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।